सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये स्पष्ट कर देना चाहिए। इसीलिए मुझे लगा कि जो प्रकार का भाषण दिया गया, मैंने पहली बार देखा कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है, ये समझ से परे है। इस प्रकार का जो काम हुआ वो बड़ा गलत है। और हम सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए, किन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में 30, 40, 45 साल से हैं।